जो 75 150 है ना, ये पूरी देर के सूद में है। ये देर दो ढाई गोप ऐसा सूद आता है इसमें, और एक ब्लू सूद आता है जिसकी उसकी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बताएंगे कि रोप नेट कैसे तैयार होता है, रोप नेट का जाला कैसे तैयार होता है, आज हम वो बताएंगे। चलो चलते हैं। ये अभी खनसा ने लाई ना, ये चार पाए हैं, चार पाए। ये भी मैं सब हर डोर का ना एक साथ करके रखूंगी। खनसा ने चार पाए लगे दी। ये देखो ऐसा जाला बनाते हम लोग के गांव में। ये जो अभी खनसा जाला बना रही है ना, वो 200 अंगली का है, 200। देखो अभी चार फेरे लेगी। ये देखो मैं जो अभी बोली ना, इनकार कैसे इनते, ये देखो ये हमारे कोकनी में ना इसको इनकार बोलते हैं। एक डोल को ना दो फले लगते और चार पाए, हम लोग कोकनी में इसको फले बोलते हैं और पाए को पाए बोलते हैं। पर मराठी में ना इसको, मराठी में इसको पाट बोलते, पाट। ये भी डोल है ना, वो 75 150 की डोल है, 75 150। तो ये ना दो पाट है उसके, ये देखो दो पाट। फिर उसके बाद ना उसको चार पाए लगते, तो ये पाए ना 200 150 के है, ये साथ में मैंने बांध के रखी हूँ। ये 200 150 के और ये दो पाए ना 75 के हैं। ऐसे एक डोल को चार पाए और दो पार्ट लगते हैं। फिर मेरे को आवाज देके बोली ना, नसरीन खाला ये क्या पाए, और 300 अंगली लाई। 300 अंगली का एक असी कितना बड़ा होता है ना, वो मैं दिखाती हूँ अभी किधर खत्म होता है। अभी मैं इसको जैसा था ना वैसा रखती हूँ। ये देखो खनसा ने जैसा लाई थी ना वैसा मैंने अभी इसको बांध के रखी। एक्चुअली ना ये हमको गोप के ऑर्डर थे, गोप के, पर गोप अवेलेबल ना होने की वजह से हम लोग ना ये फिर बोले उनको कि गोप का धागा नहीं है। 15-20 दिन हमने वेट किए, बोले कि गोप का धागा नहीं है, ढाई का धागा लगाए तो चलेगा क्या। तो फिर हम लोग ने ना ये ढाई के बैग लाए, ऐसे ये रहते बॉबिन रहते धागे के। फिर हमने ढाई के बैग लाए। अभी ज्यादा बोले तो यही चलता है लाल, नहीं वो डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आप अगर ब्लू ले रहे तो ब्लू में भी आता है, लाल हाँ, लेंगे तो लाल में भी आता है, उसकी पसंद हाँ, है। ग्रीन लेंगे तो ग्रीन में भी आता है, लेकिन लाल कैसे थोड़ा अट्रैक्ट करता है हाँ। ना थोड़ा अच्छा दिखता है, मतलब दिखने में अच्छा लगता है। तो लाल अभी सब लोगों की चॉइस एक ही है कि लाल लाल लाल, तो हर किसी को लाल ही जा रहा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिपोर्ट भी है, बच्चे अच्छे मिल रहे। तो ये दबंग डोल है, दबंग, ये आज से कुछ साल पहले जब सलमान खान की एक मूवी आई थी तो अब्बा ने एक डोल का नाम रखे दबंग, 75 150 दबंग फास्टर, हाँ दबंग फास्टर, दबंग टू ऐसा नाम रखे। और बहुत सारे ऐसे डोल कर देखा जाए तो शांताबाई है, शांताबाई टू है, पुष्पा है, हगीज भी एक डोल का नाम है, दबंग है, डिस्को डिस्को भी डोल आते हैं। पहले एक टाइम पहले ना हमारे जब दादा और अब्बा जब करते थे तो शहनशाह डिस्को डोल का नाम था, शहनशाह डोल था। तो ऐसे बहुत सारे डोल है। तो अगर आप लोगों को भी, अगर आपका फिशिंग का बिजनेस है और आपको नेट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नेट चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों की डोली आप लोगों के घर तक पहुंच सकती है।
तो जरूर ट्राई करें। और ये लाल है ना, अब मार्केट में बहुत चल रहा है, हर कहीं बहुत चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने जितने लोगों को भी ऐसी डोली दी है ना, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है कि अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, अच्छी मच्छी मिल रही है। उसमें किया जाता है डिस्को, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि डिस्को में माकुल, स्क्विड, स्क्विड है, प्राउन्स, लेप, झिंगा लेप की बात की जाए तो वो शांताबाई चालू डोल में मिलता है। चालू डोल हो गए तो पोपट डोल, पोपट भी एक डोल आती है जो हरने वो सब साइड में चलती है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। और ये हमारा बिजनेस है, पिछले कई सालों से ये बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी प्रोसेस है, देखो ये जो है ना, इसको इनकार बोलते हैं, इनकार बोलते हैं। यहाँ पर जो था देख रहे ना, ये इनकार इंद्र है, तो लगभग अगर एक इनकार लगाने के बाद ना अगर कोई फास्टर इनकार हो ना तो उसको डेढ़ दिन लगता है, और अगर कोई स्लो स्लो इनता है तो दो ढाई दिन भी चले जाता है। लेकिन हम लोगों का कैसा रहता है, सामने वाले को अर्जेंट हम लोगों ने जबान दी हुई रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग अर्जेंट इनकार लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इनकार भी काफी अच्छे इनकार है जो फास्ट इनके हमें दे देते, हमारे जबान के ऊपर हमें इनकार दे देते। तो ये पहला प्रोसेस है इनकार बनना, उसके बाद इनकार लगाना होता है। इनकार लगाने के बाद, इनकार तैयार होने के बाद फिर रोप, रोप के साथ बांधते हैं। वो बांधने वाला वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग खोका लगता है, हम लोग कोकने में खोका बोलते हैं, पर एक्चुअली मराठी ने, मराठी में ना उसको मुडा बोलते हैं। जब छोटा था ना तो अब्बा से पूछा करता था कि अब्बा ये इतने इतने बड़े बड़े आंगली है, इसमें मच्छी मिलती है क्या? तो अब्बा बोलते थे ये डोल चलने के लिए है। मच्छी जो आगे का जो खोखा होता है ना, खोखा, वो अगर वीडियो देखनी है तो मैंने फिशिंग की पूरी वीडियो बनाई है, मोस्ट वायरल वीडियो है अपने चैनल का, तो जरूर देखना कैसी मच्छी मिलती है, खोखे के अंदर सब मच्छी चली जाती है। तो ऐसा है, बस यही हम लोगों का बिजनेस है, कई सालों से बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा मैंने वादा किया था कि अम्मी का चैनल आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग कि 3 से 4 दिन में अम्मी के 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए। इंशाल्लाह इसी तरह से प्यार सपोर्ट रहेगा तो अम्मी के 1000 सब्सक्राइबर, 1000 से 10000, 10000 से 50, 50 से लाख हो गए। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो, जैसे हमारे बाबू की चैनल को आपने सपोर्ट किया। ये साथ है अभी, ये इनके तैयार हुए ले साथ है, ये साथ यहाँ पर, ये गोने में भर के रखे ले है, इसमें है, ये साथ है अभी, ये देखो अभी जो इनकार है ना, ये देर के सूत में, ये जो 75-150 है ना, ये पूरी देर के सूत में है, ये देर दो ढाई गोप ऐसा सूट आता है इसमें, और एक ब्लू सूट आता है जिसकी उसकी पसंद है, ग्रीन भी आता है, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, जिसकी उसकी पसंद है। लेकिन अभी जो ज्यादा चल रहा है ना वो रेड, लाल अभी फेमस है। हम लोग कोई एक टोंडी तैयार करने इतनी फलियां लगती हैं। मराठी में टोंडी बोलते हैं, हम लोग कोकनी में टोंडी बोलते हैं। 20, 32, 42, 52 और ये 75, ये 75 रहेगा तो सिंगल फेरा, और 150 रहेगा तो इसका डबल फेरा आता। वैसे ये 100 रहेगा ना तो ये 52 का डबल फेरा आता, 52 का, फिर वो 100 अंगली होता ऐसा। ये इतने फली से ना पूरा टोन तैयार होता है। और हम लोग ना ये डोल का प्लान ऐसे लिख के देते, ये देखो, अगर सेम डोल रहेगी ना, सेम समझो हम लोग को 75-150 के ही लगाने के हैं, तो फिर हम लोग ना ऐसा जेरोक्स मार के लाते और सबको एक एक देते हैं, अलग अलग रहेगी तो हम हाथ से लिख के देते। तो कैसी लगी वीडियो एक कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज, मिलते हैं वापिस अगली वीडियो में।